आज हम बनाएंगे बनाना वॉलनट स्मूदी। आइए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड है बनाना। हमने यहाँ पर दो बनाना लिया है, और जैसे कि ये बनाना वॉलनट स्मूदी है, बट हमने यहाँ पे ज़्यादा वॉलनट नहीं यूज़ किया है। और हमें रिक्वायर्ड है हनी। हमने यहाँ पे 2 टेबल स्पून हनी लिया है, और हमने यहाँ पे 3 से 4 वॉलनट लिए हैं। आप चाहे, अगर आपको प्रॉपर वॉलनट स्मूदी बनानी है तो आप ज़्यादा वॉलनट भी यूज़ कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे 1.5 कप मिल्क लिया है, योगर्ट लिया है, ग्रीक योगर्ट, आप नॉर्मल योगर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे 2 से 3 इलायची लिए। अभी हम एक जार में बनाना ऐड कर देंगे, और हम इसे सारे बनाना को जार में ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो मिक्सी में भी बना सकते हैं। हमने यहाँ पे ब्लेंडर की हेल्प से बनाया है, और हम इसमें हनी ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें वॉलनट ऐड कर देंगे। जैसे कि अगर आपको प्रॉपर वॉलनट्स बनाना स्मूदी बनानी है तो आप ज़्यादा वॉलनट भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें योगर्ट ऐड कर देंगे। हमने यहाँ पे तकरीबन 1 कप योगर्ट ऐड किया है। स्मूदी है तो इसमें कर्ड तो रिक्वायर्ड है ही। और अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। हम एक साथ सारा मिल्क नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करते हुए इसे ब्लेंड करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा मिल्क ऐड कर देते हैं, और इसमें हम ये इलायची ऐड कर लेते हैं, और अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करते हुए हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। अब इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो चुकी है, मतलब ये रेडी है। और अब हम इसे सर्व करने के लिए एक जार में निकाल लेंगे। और गार्निशिंग के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा वॉलनट यूज़ कर रहे हैं। और ये हमारी बनाना वॉलनट स्मूदी बिल्कुल रेडी है।